हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दिखाऊंगी आपको घर में कैसे आप माइक्रोग्रीन्स ग्रो कर सकते हैं। हमारे सबके पास गार्डन तो नहीं होता है, लेकिन बैल्कनी में हम छोटे छोटे डिब्बे में अपना माइक्रोग्रीन्स ग्रो कर सकते हैं। उसे हम किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। इस छोटे से डिब्बे में मेथी की भाजी मैंने ग्रो किए हैं। आप भी ये घर में कर सकते हैं। बहुत आसान है मेथी की भाजी को ग्रो करना। इस तरह के छोटे छोटे जो डब्बे हम फेंक देते हैं, जो बिस्किट्स के डब्बे हैं या फिर मिठाई के डब्बे हैं, उसको आप फेंकिए मत, उसको इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए, मैंने एक मिठाई का डब्बा ले लिया है, उसमें होल्स कर लिए हैं मैंने नीचे ड्रेनेज के लिए। फिर उसको मिट्टी से भर दूंगी। ये मैंने मेथी के दाने किचन से लिया है और उसको कुछ घंटे के लिए सोक किया था। बहुत कम लिए हैं मैंने इस बार। यहाँ पे मैंने गार्डन सॉयल ले लिया है, इसमें थोड़ा सा कॉम्पोस्ट है और कुछ नहीं है। आपके पास गार्डन सॉयल नहीं है तो फिर कोकोपीट यूज़ कर लीजिए। कोकोपीट घर में आप इजीली बना सकते हैं, उसका वीडियो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। उंगली से हल्के से दबा के ऐसे चैनल्स बना लीजिए, उसमें हम मेथी के जो दाने हैं वो लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो मेथी की भाजी है वो प्रॉपर स्पेस उसको मिलेगा ग्रो करने के लिए। अब इसे ज़्यादा भी मेथी के दाने आप ले सकते थे, मैंने बहुत ही कम लिया है। नाउ कवर द सीड्स विद सॉयल लूजली, हल्के हाथों से मिट्टी उस पर डालना, ज़्यादा प्रेशर मत देना। मेथी बहुत जल्दी ग्रो करता है, सेकेंड दिन में ही आपको दिखेगा कि स्प्राउट्स आने लगे हैं। मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी। फिर ऐसे पानी को आप स्प्रे कीजिए, इसमें पानी डायरेक्टली मत डालना। दिन में दो बार मैं इसको स्प्रे करूँगी पानी से। एक टैग लगा दिया है कि कौन सी डेट में और कौन सा सीड मैंने लगाया है ये। अब इसको रख देते हैं ब्राइट शेड में। इट जर्मिनेट्स वेरी फास्ट, अगले दिन ही स्प्राउट्स दिखने लगेंगे। तो फिर चलिए वेट करते हैं। देखिए, ये अभी तीसरा दिन है, मैंने जो सीड्स को लगाए थे, छोटे छोटे पौधे अभी निकल आए हैं। ये सब दोनों लाइंस में लगाए थे मैंने। यहाँ पे भी छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, बहुत जल्दी ये ग्रो कर रहे हैं। मैं इनको दिन में दो बार पानी स्प्रे करती हूँ। ये सिक्स्थ डे का फोटो है, देखिए बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो कर रहे हैं। मैंने इसमें कुछ भी फर्टिलाइजर नहीं यूज किया है, सिर्फ पानी देती रहती हूँ। दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल, इजंट इट? ऑल माय माइक्रोग्रीन्स आर ग्रोइंग वेल। ये 10th डे है, देखिए कैसे ग्रो कर गए हैं सब मेथी के भाजी, और कुछ दिनों में ही ये हार्वेस्ट करने के लायक हो जाएंगे। फिर मैं आलू की सब्जी में या फिर पराठे में इसको यूज कर सकती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। ये मस्टर्ड के माइक्रोग्रीन्स है, ये टोमेटो के जर्मिनेशन हुआ है, यहाँ पे स्पिनच ग्रो कर रहे हैं। इन सभी के वीडियोस मैं अलग से डाल दूंगी, आप देख सकते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे आप घर में इजीली ग्रो कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जो किचन में अवेलेबल है मेथी, मस्टर्ड या फिर धनिया, उसी से आप ग्रो कर सकते हैं अपना माइक्रोग्रीन। किचन में खिड़की के पास भी ये रख सकते हैं आप, या फिर बालकनी में रख सकते हैं। ये देखिए, और भी मेथी मैंने ग्रो किए हैं एक ट्रे में, इसका भी वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी। बस आपको दिन में दो बार पानी स्प्रे करना है और कुछ भी नहीं करना। स्प्राउटिंग के बाद बस कुछ ही घंटों के लिए आप धूप में रखिए, बस उसी से ही होगा। तो आप भी ट्राई कीजिए, खुद का माइक्रोग्रीन अपने घर में लगाइए और एंजॉय कीजिए उस भाजी की सब्जी, या फिर पराठा, या फिर सैलड में भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो वेदर यू हैव ट्राइड इट और नॉट। प्लीज क्लिक द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन, ताकि आपको पता चले मैं कब वीडियो अपलोड कर रही हूँ। टिल देन, बाय बाय।